आज नेपाल के राजनीति में और खास करके केपी ओली के राजनीति जीवन में उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उनकी जो नैतिकता है वो एक बार फिर से परीक्षण होने वाली थी। कैसे होने वाली थी, क्यों होने वाली थी, कहाँ होने वाली थी, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगत की समाचार मिलेगी, चाहे देश हो, विदेश हो, खेल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे क्राइम हो, हर तरीके की खबर आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नेपाल में फ़िलहाल राजनीति जो है वो तूफान पर है, और हर रोज़ नेपाल के राजनीति में कुछ ना कुछ होता रहता है। उसी क्रम में आप सभी को पता होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिनको केपी ओली कहा जाता था, लेकिन आजकल उनको केपी बा के नाम से उनके समर्थक बुलाते हैं, उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में दो दो बार जो नेपाल के प्रतिनिधि सभा यानी कि सदन है उसको विघटन करने का फैसला लिया, और दोनों बार सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। आप सभी को बता दूं कि नेपाल में सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, और जब दो बार वहाँ पर जो सरकार थी केपी ओली के, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि वहाँ की जो सदन है उसको विघटित कर दिया जाए, तो दोनों बार सर्वोच्च अदालत में रिट पड़ी, और उसके बाद सर्वोच्च ने फैसला दिया कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक कार्य किया है। तो दोनों बार वहाँ पर जो है जो सरकार की फैसला थी उसको पलट दिया गया। उसके बाद आज जो बैठक थी वो पहली बैठक थी, यानी कि आप सभी को बता दूं कि जब प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दूसरी बार जो सदन को विघटन किया था उसके बाद आज ये पहला बैठक था, और इसमें नैतिकता की सवाल थी कि क्या किस नैतिकता से केपी ओली सदन में जाएंगे, क्योंकि जिस सदन को उन्होंने खुद दो दो बार जो है विघटित कर दिया है उस सदन में क्या उनको नैतिकता ये मानती देगी या मान्यता देगी कि वो जो है उस सदन में फिर से जाए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जब तक सदन में बहस हुई तब तक वो नहीं आए, लेकिन जब समय आया मतदान का, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि आज देवा ने विश्वास का मत भी लिया, उसमें जब मतदान की बारी आई तब जो है वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी सदन के अंदर आए, उन्होंने देवुआ को भी जो है शुभकामनाएं दी, दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत भी हुई, और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया भी। फिर जो है केपी ओली अपने सीट पर जाकर के बैठ गए और जो है अपने पक्ष के नेताओं से वो बात करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केपी ओली सदन में जाएंगे, क्योंकि उनका जो नैतिक है वो इस बात की मान्यता नहीं दे रही होगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से दो बार इस सदन को विघटित करने का जो है फैसला सुनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी केपी ओली गए, और नेपाल की राजनीति में केपी ओली कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से आज अलग किया, उन्होंने बहस के दौरान हिस्सा नहीं ली, और जब समय आया मतदान का तो ठीक मतदान से पहले वो सदन के अंदर चले गए। तो इस बात को लेकर के नेपाल के जो जनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हैं, और इस बात को काफ़ी ज़्यादा जो उनके विपक्ष है के लोग हैं, जो उनके विपक्ष के नेता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं कि किस नैतिकता के साथ केपी शर्मा ओली और उनके पार्टी के जो नेता है वो सदन के अंदर आए। तो कहीं ना कहीं नेपाल के राजनीति में नैतिकता भी अब एक नाम के लिए ही रह गई है, यही हम कहेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी दल का वहाँ पर जो इतिहास है, जो वर्तमान है उसको उठाकर देख ले तो यही लगेगा कि नैतिकता तो बस एक शब्द है, बाकी इसमें और वहाँ के जो राजनेता है उसमें किसी भी प्रकार के कोई तालमेल बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो आप लोगों क्या है इस मुद्दे पर कहना, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।